जहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में इस महीने सैलरी, बोनस और पेंशन जल्दी होगी आपके खाते में जमा, बिल्कुल ऐसी है खबर। और स्पर्स की नई एडवाइजरी, आपने जीवन प्रमाण पत्र को कैसे, यदि देश या विदेश में तो कैसे करना है अपडेट, और बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया में बदलाव। नई एडवाइजरी निकली है 9 अक्टूबर को। और नासिक में बड़ा हादसा, 2 अग्निवीर की मौत और 1 हुआ घायल। आखिर क्या हुआ, इतना कैसे हुआ ये हादसा, यानी तोप, यानी IFG, या समझ सकते हो एक गन है, इंडियन फील्ड गन, उसका बैरल हुआ था ब्लास्ट। और आगे की खबर, ECHS में जवानों के साथ नाजायज पैसे वसूली का वीडियो हो रहा है जारी। बंदा परेशान है, DSC से रिटायर्ड है, और जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल वाले उससे पैसे मांग रहे, आखिर क्यों। और 150 आतंकियों की खबर, दहशत है बॉर्डर के ऊपर, आखिर इनको जन्नत में कैसे पहुंचाया जाए। सबसे पहले आज है दशहरा। हाँ जी दोस्तों, दशहरा सब लोग सिविल में मनाते हैं, रावण का पुतला दहन करते एक सिंबॉलिक है, लेकिन असली दशहरा होता है, असली चैलेंज होता है सैनिकों के लिए, उन जाबाजों के लिए, उन पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो 24 घंटे 24x7 इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक देते हैं। चाहे नक्सलवादी इलाके में देखिए, आप समझ सकते हो कि अच्छाई और बुराई का टकराव हो रहा है। आप बॉर्डर पे देखिए, हमेशा आप देख सकते हो आतताई आतंकी हमेशा आकर घुसपैठ करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। वहां पर डटे रहते हैं, सीमा पर डटे रहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे रक्षा सुरक्षा के जवान। इनके लिए असली दशहरा की शुभकामनाएं, डटे रहो और भारत माता की रक्षा करते रहो। और मैं एक आप सुनिए, दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, ये गोरखा यानी आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी का बैंड है, ट्यूनिंग देखिए, और पीछे लहरा रहा है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा। हम करेंगे सलूट और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों बात करूंगा इस महीने की सैलरी, बोनस और आपकी पेंशन। हाँ जी दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी जैसा कि अभी मान के चल है कि 29 अक्टूबर को धनतेरस है, 31 अक्टूबर को दिवाली है, तो जो भी पैसा है जवानों का, जो पैसा यानी जो पेंशन के रूप में मिलता है, सैलरी के रूप में मिलता है, बोनस के रूप में मिलता है, या DA बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा, इसकी घोषणा पहले होगी और इसका क्रेडिट भी पहले होगा, ऐसा है। क्योंकि कल एक न्यूज थी कि कर्मचारियों की सैलरी, 11 लाख कर्मचारियों की सैलरी के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार यानी मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले भुगतान का आदेश किया गया है, और उन्होंने ये केंद्र की अनुशंसा थी और वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव बना करके पारित कर दिया है कि बैंकों को जल्दी आप इनको डिसबर्स करें, जो भी सैलरी और पेंशन है, तो केंद्र सरकार भी बिल्कुल करेगी। यदि केंद्र सरकार, आप समझ सकते हो ये त्योहारों का महीना है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, यहाँ पर बोनस और गिफ्ट दिए जाते हैं, तो हमारा इनका हक है वो 2 दिन पहले मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। और बोनस भी जिसको लागू है, बोनस भी मिलेगा और सैलरी मिलेगी, और पेंशनर्स को पेंशन, और DA बढ़ोतरी की घोषणा के साथ DA भी आएगा, ऐसी खबर है कि फाइल आगे मूव कर गई है, ये आपके खाते में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज आप समझ सकते हो 12 तारीख है और 29 तारीख से पहले आपके खाते में ये पैसे जरूर आएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पर्श की नई एडवाइजरी, जीवन प्रमाण पत्र कैसे करें। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस, प्रिंसिपल कंट्रोल एंड डिफेंस अकाउंट, पेंशन, प्रयागराज। स्पर्श इंस्ट्रक्शन डेटेड 9 अक्टूबर 2024। सब्जेक्ट स्पर्श टू NRI एंड नेपाल डोमिसाइल्स गोरखा पेंशनर्स ड्रॉइंग पेंशन थ्रू स्पर्श। उनके लिए सीधा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन हु आर सेटल्ड अबोर्ड एज वेल एज नेपाल, उन्होंने डोमिसाइल गोरखा, जो हमारे गोरखा सेना के अंदर रहते हैं, यार गेटिंग द डिफेंस पेंशन फैमिली पेंशन थ्रू स्पर्श। स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं, स्पर्श के थ्रू फैमिली पेंशन ले रहे हैं, स्पर्श के थ्रू सर्विस पेंशन ले रहे हैं। हाउएवर ड्यू जो फेसिंग अप्लाइड स्पर्श पेंशन पोर्टल, दे आर नॉट एबल टू असेस देयर लॉग इन फ्रॉम रीजन आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी चीज़ों को लॉग इन नहीं होती है देश के बाहर, तो इनके लिए PCDA प्रयागराज हैज अर्लियर नोटिफाइड द ईमेल ID सबमिशन टू लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एनुअल आइडेंटिफिकेशन टू NRI पेंशन पेंशनर्स एज पर देयर सर्विस कैटेगरी। द सैड इंस्ट्रक्शन स्टैंड सुपरसीडेड आफ्टर दिस इशू। अभी जो ये लेटेस्ट एडवाइजरी, इसके पीछे की एडवाइजरी खत्म है, एक ईमेल आईडी आपको मिलेगा, उसके हिसाब से आपने भरना है। स्पर्श, इसमें लिखा है सीधा spersnri.dad@gov.in, ये इसकी आईडी है। द अबव मेंशंस ईमेल आईडी may be used by NRE and NRI NDG pensioners drawing pension through SPRSH to avail following service office.
एनुअल आइडेंटिफिकेशन भरना, इनिशिएट फैमिली पेंशन करनी, रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपडेट, ईमेल अपडेट, आधार और पैन कार्ड, माय डॉक्यूमेंट, रेज ग्रेवियंस, सारी चीज़ें आपने इसमें करनी है। तो ये आपकी मेल आईडी है क्या, sparsnri.dad@gov.in, इसके ऊपर जाकर सारे काम आप कर सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा, और ट्रेनिंग में होता है, ये है हमारी जीवन का असली हिस्सा, लेकिन ये दुर्घटना घटी उन बच्चों के साथ जो अग्निवीर के नाम पे भर्ती हुए थे, 20 साल उम्र 21 साल उम्र। कहाँ हुआ? नासिक में फायरिंग के दौरान अग्निवीर की मौत। महाराष्ट्र के नासिक आरटी सेंटर है, आप समझ सकते हो। फायरिंग अभ्यास के दौरान धमाका होने से भारतीय सेना के दो अग्निवीर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना तोप फायरिंग अभ्यास के दौरान हुई। मरने वाले अग्निवीर सैनिकों के नाम गोहिल विश्वराज सिंह उम्र 20 साल और सैफत सीत उम्र 21 साल। भारतीय सेना के अधिकारियों ने हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। एक बंदा जवान घायल है दोस्तों। जैसा कि आप समझ सकते हो, देवलाली रेंज है, वहाँ पर आरटी का फायरिंग होता है और वहाँ गन के साथ इस तरह इंसिडेंट हो गया। यानी ऐसे हादसे, ये हमारा हादसा, ये जीवन कैसा, ये आप समझ सकती है रैंडमली है, इसके लिए तो भगवान ही मालिक है। देखो उस तोप से कई गोले फायर हुए होंगे, कल भी होंगे, वहाँ लगातार फायरिंग होती है, लेकिन कभी न कभी इस तरीके का, वहाँ पर कोई भी आप लापरवाही नहीं, पूरी ड्रिल डिसिप्लिन सारी चीज़ फॉलो की जाती है, 1% भी वहाँ पर ढील नहीं दिया जाता। वहाँ इंस्ट्रक्टर होंगे, एक आईजी होंगे, सब खड़े रहते हैं, लेकिन शायद उस को क्या मंजूर था। और उसके लिए आप समझ सकते हो लेफ्टिनेंट धीरज सेठ आर्मी कमांडर अलोंग विद ऑल रैंक्स एक्सप्रेस डीप उन्होंने कहा कंडोलेशन ओवर द ट्रेजिक लॉस ऑफ, उन्होंने कहा अग्निवीर की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है लेफ्टिनेंट धीरज साहब और पूरे ऑल रैंक्स की तरफ से। अब बात आती है, कुछ लोग राजनीति अभी करते, इतना गंदा लगता है, इनको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको शहादत होगी नहीं होगी, फलानी पार्टी महाराष्ट्र की कम्युनिस्ट कौन सी पार्टी एनसीपी वो इनके लिए मुआवजा, ये सारी चीज़ें एक फॉर्मल है, ये जरूर होंगी। सेना के पास जो अधिकार है वो पूरा होगा। आप राजनीतिक तौर पर सेना के साथ प्लीज राजनीति मत करिए, ये आप समझ सकते हो, ये जज्बा है, ये जोश है, यहाँ पर इसको डिमोरलाइज न करें नेता, न ऐसे स्टेटमेंट दें, ये स्वीकार करें कि सैनिक को मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, सैनिक के अंदर सेक्रीफाइस है, सैनिक का परिवार, एक माँ अपने बच्चे को नौकरी पे भेजती है तो पहले वो नौकरी तो है, इससे पहले वो सेक्रीफाइस है, त्याग का है, माँ का भी त्याग है। ये आपको मानवता के तौर पर, ये राष्ट्र भावना के तौर पर समझना होगा, इसका बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल इसका खंडन करते। अब मैं बात करूंगा, ECHS में हमारा एक जवान है जो कि एक पैनल हॉस्पिटल में रेफरल कराता और वहां पर उसकी वाइफ है जो डायलिसिस के ऊपर है और उससे बार बार हर महीने 18,000 से 20,000 पैसा वसूल किया जाता है। उसने हमसे कहा साहब ये क्या है, ये कैसा सिस्टम है। जब YC साहब से रिपोर्ट करता है तो YC साहब बोलते हैं हॉस्पिटल चेंज कर दो, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, आप क्या करो, आप कंप्लेन करो, आप ECHS के कर्नल को कंप्लेन करो कि भाई 25,000 ये ECHS पेशेंट बात करे तो नहीं नहीं हाँ नहीं बात नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका वीडियो बना रहा हूँ, आप SOP बताओ मेरे को। नहीं फर्स्ट आप SOP बनाओ, SOP बताओ मेरे को, ECHS का लेटर बताओ कि भाई। जय हिंद जय भारत, मैं एक सिपाही मीर खादर अली आर्मी नंबर 1447997H, मैं DSC से पेंशन आया हूँ, मेरी पेंशन पे ही गुजारा है, मेरे को 3 लड़कियाँ हैं, मेरी मिसेस को डायलिसिस अभी हो शुरू हुआ है, पहले उनको हार्ट पेशेंट थे, वो शुगर पेशेंट थे, थायराइड पेशेंट थे, BP पेशेंट थे, अभी उनको हार्ट पंपिंग कम हो रहा है, उसके वजह से बॉडी में पानी भर जा रहा, हाथ पैर फूल जा रहे, पेट फूल जा रहा, खाना नहीं खा रहे, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द, सूरत फूल जा रही, तो इसके लिए मेरे को 3 महीने से मैं केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स ECHS से रिफ़र होकर के गया, एडमिट करा रहा हूँ। हर महीने मेरे से केयर हॉस्पिटल वाले पैसे ले रहे हैं, एक बार 18,000, एक बार 10,000, एक बार 15,000 पैसे ले रहे हैं, बोलते हैं कि भाई आप ECHS पेशेंट है, ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाएंगे साहब, जो हमारा पेंशन पे ही गुजारा है। कर्नल गोविंद ECHS पोलो क्लिनिक OIC को भी कंप्लेन करा तो वो बोलते कि आप वो हॉस्पिटल में मत जाओ, केयर हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, दूसरा हॉस्पिटल पेशेंट को लेके गए तक कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार है सर उस पेशेंट के,
इसीलिए हमारे को केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स करीब में है, इसीलिए हम लेकर के जाते हैं। और शुरू से 4 साल से मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है सर, तो प्लीज़ काइंडली हेल्प मी सर कि आप लोग इसके लिए आप लोग थोड़ा ये वीडियो को वायरल कीजिए सर, और हमारे जो भी पैसे जो मैं बना हूँ 50-55 हज़ार मेरे को वापस दिलाइए सर, बहुत मेहरबानी होंगी सर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो ये है कि यानी एक जगह इलाज चल रहा है डॉक्टर को, वहाँ पर जो हमारा स्पर्श वाला सेंटर बैठा है इस तरह लूटपाट कर रहा है, इनका वीडियो है। जरा जो भी इसके आसपास के अधिकारी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले को संज्ञान में लें और जवानों के साथ न्याय करें, नहीं तो ECHS जो आपने इतना बड़ा कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बनाया इसके ऊपर भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा और भरोसा बनने में बड़ा समय लगता है दोस्तों। और बात करूंगा 150 आतंकियों की, खबर आ रही है लॉन्च पैड पर बैठे हैं ये मेहमान, यहाँ भारत में आने के लिए परेशान है और इनका स्वागत के लिए हमारे भारतीय सेना, हमारे BSF, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी और JNK की पुलिस तैयार है कि बिल्कुल आपको किसी भी तरीके से पहले तो आने नहीं दिया जाएगा। यदि गलती से आप किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आ भी गए तो बिल्कुल आपको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, आपको जहां जाना है बिल्कुल आपको जन्नत की सैर कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।